Assalamu alaikum, how are you all? I'm your science teacher and I wish a very warm welcome to all of you in the online class of FAI. Moving to the same topic of our chapter, that is indicators from the chapter acids, base and salts, chapter number 5. So students, आपको याद होगा मैंने कुछ natural indicators के बारे में पढ़ाया था जो कि था turmeric, litmus था, ठीक है? आज हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरा natural indicator जो कि है China rose, ठीक है ना? चाइना रोज के बारे में हम पढ़ेंगे या चाइना रोज जो है उसको एज एन इंडिकेटर कैसे यूज करते हैं, उसको कैसे मतलब यूज करते हैं कोई सबस्टेंस टेस्ट करने के लिए, ये एसिडिक है या बेसिक है. तो एज एन इंडिकेटर चाइना रोज को यूज करना, उससे पहले हम ये देखते हैं दैट चाइना रोज जो है इसका सोल्यूशन कैसे बनेगा, एंड सोल्यूशन जब बनेगा उसके बाद हम एज एन इंडिकेटर इसको टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? चलिए देखते हैं. चाइना रोज लाइट पिंक इन कलर, ये आपको याद रखना है. चाइना रोज जो है ये एक फ्लावर है, ठीक है ना? एक फ्लावर है जिसका कलर क्या होता है, लाइट पिंक होता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स? इसका कलर कैसा होता है, लाइट पिंक होता है. हमें अब क्या करना है, कलेक्ट चाइना रोज पेटल्स. हमें क्या करना है, हमें जो ये जो फ्लावर है चाइना रोज इसके हमें कुछ पेटल्स कलेक्ट करने हैं, ठीक है ना? पेटल्स आपको पता होता है ना, जो फ्लावर की जो पत्तियां होती है, पत्ते नहीं जो पत्तियां होती है, लाइक ऐसे, ठीक है ना? हमें क्या करना है, इस फ्लावर के चाइना रोज के पेटल्स जमा करने हैं, ठीक है? कर लिए जमा, उसके बाद क्या करना है, पुट देम इन अ बीकर. हमने जब वो पेटल जमा कर लिए, हमें क्या करना है, हम इस उनको एक बीकर में डाल देना है, ठीक है? डाल दिया. एड सम वार्म वाटर. उसके बाद हमने क्या करना है, हमने जब इनको बीकर में डाल दिया, हमने कुछ गर्म पानी लिया और इसमें ऐड कर लिया, मतलब इस बीकर में डाल दिया, ठीक है? कीप द मिक्सचर असाइड फॉर सम टाइम. हमने क्या कर दिया, जब हमने इसमें गर्म पानी डाल दिया तो हमने इसको कुछ टाइम तक साइड पे रख दिया. हमने कुछ टच वच नहीं करना है, बिल्कुल उसको साइड पे रखना है कुछ टाइम के लिए. फिर हम कुछ टाइम के बाद क्या देखते हैं, सोल्यूशन विल बिकम कलर्ड. हमें जब कुछ टाइम के बाद देखेंगे इसकी जो सोल्यूशन है, जब हमने इसको वार्म वाटर ऐड किया था इन पेटल्स को, ये जो सोल्यूशन है ये इसका कलर आ गया, मतलब ये लाइट पिंक हो गया, क्योंकि हमने जो पेटल्स इसमें डाले थे वो लाइट पिंक ही थे ना, तो जब हमने इसमें वार्म वाटर ऐड किया था तो वो क्या हो गया, वो सोल्यूशन जो है वो कलर्ड हो गया, मतलब लाइट पिंक कलर का हो गया, ठीक है? सोल्यूशन, हाँ, फिल्टर द सोल्यूशन. अब हमने इसको फिल्टर करना है. आपको पता है ना फिल्टर क्या होता है, जब किसी चीज़ से किसी ठोस चीज़ को अलग कर देते हैं. जब आप चाय बनाते हैं, जब हम चाय को कप में डालते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, वो छानी का यूज़ करते हैं ना. जब हमने इसको चाय डाल देते हैं कप में तो जो पत्तियां हैं वो ऊपर ही रह जाती हैं और जो चाय जो है वो कप में चली जाती है, ठीक है ना? ऐसे ही क्या हमें फिल्टर करना है सोल्यूशन को, जो पत्तियां हैं वो ऊपर ही रह जाएंगी और जो ये जो सोल्यूशन है वो आ जाएगा नीचे, ठीक है ना? फिर हमें किसी बीकर में सोल्यूशन डालना है. हमें जब इसको फिल्टर कर लिया तो उस पत्तियां ऊपर ही रह जाएंगी और जो सोल्यूशन है वो नीचे बीकर में आ जाएगा जिसमें हमें वो चाहिए, ठीक है? तो दिस सोल्यूशन कैन बी यूज्ड एज इंडिकेटर. अब जब हमारा सोल्यूशन तैयार हो गया बिल्कुल से, अब हमें क्या करना है, उस सोल्यूशन को एज एन इंडिकेटर यूज करना है, ठीक है? अब वो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं. हम क्या करेंगे, हम जो जिस बीकर में हमने क्या किया, जिस बीकर में हमने सोल्यूशन फिल्टर करके डाल दिया, चाइना रोज इंडिकेटर सोल्यूशन जो है, जिस जो किस कलर का है, लाइट पिंक कलर का है, हो गया हमारे पास एक सोल्यूशन है, चाइना रोज इंडिकेटर का सोल्यूशन है जो कि लाइट पिंक कलर का है. दूसरा सोल्यूशन हमने लेना है जो कि हमें पता नहीं है, जिसका हमें कोई आइडिया नहीं है ये एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है? हमने क्या कर दिया, बिल्कुल हमने लिटमस की तरह करना है इसको. हमने चाइना रोज का इंडिकेटर का सोल्यूशन में से 3 ड्रॉप्स हमें किस में डाल देना है, इस सोल्यूशन में जिसका हमें पता नहीं है. हम क्या देखेंगे, इस सोल्यूशन का कलर कैसा हो गया, डार्क पिंक हो गया, ठीक है? ये पहले सोल्यूशन जो था चाइना रोज इंडिकेटर का सोल्यूशन जो था ये लाइट पिंक था, इसमें से हमने 3 ड्रॉप्स किस में डाल दिए, उस सोल्यूशन में जिसका हमें पता नहीं था ये एसिडिक है या बेसिक है. हम क्या देखेंगे, उस सोल्यूशन का कलर किस कलर का हो गया, डार्क पिंक कलर का हो गया. अब जब वो डार्क पिंक कलर का हो गया, इससे हमें पता चलता है जब सोल्यूशन, जब क्या होता है सोल्यूशन का कलर जो है इस चाइना रोज में जब डार्क पिंक का हो जाता है वो तो एसिडिक होता है, ठीक है स्टूडेंट्स? एसिडिक होता है.
हम सेम स्टेप ले लेंगे, चाइन एरोस इंडिकेटर का सोल्यूशन है हमारे पास, दूसरा सोल्यूशन हमारे पास है जो हमें पता नहीं है कौन सा है, हमने बिल्कुल से क्या कर दिया, तीन ड्रॉप्स इसमें डाल दिए सोल्यूशन में। अब हम क्या देखेंगे, इस सोल्यूशन का कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया। क्या हो गया, ग्रीन हो गया। अब जब इस सोल्यूशन का कलर ग्रीन हो गया, इससे हमें पता चल जाता है दैट योर सोल्यूशन जो है ये बेसिक है। इन शॉर्ट आपको क्या याद रखना है स्टूडेंट, जो चाइना रोज है, जो चाइना रोज जब हम एज एन इंडिकेटर यूज करते हैं, जब इसका कलर जो है वो जब डार्क पिंक हो जाएगा तो वो एसिडिक होता है, जब ग्रीन हो जाएगा तो वो बेसिक होता है। हाँ स्टूडेंट्स, हमने जो नेचुरल इंडिकेटर्स पढ़े उसमें डिफरेंट कलर्स हो जाते हैं, मतलब हमने काफी कलर्स देखने को मिले, लिटमस में भी हमने डिफरेंट कलर्स देखे, लाइक एसिडिक के टाइम रेड हो जाता है, बेसिक के टाइम ब्लू हो जाता है, और हमने टर्मरिक में क्या पढ़ा, जब वो बेसिक होता है तो रेड हो जाता है, जब वो एसिडिक होता है तो उसमें कोई कलर ही चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। तो अब हम चाइना रोज में क्या देखते हैं, जब ये एसिडिक है तो ये डार्क पिंक हो जाता है, और जब ये बेसिक है तो ग्रीन कलर का हो जाता है। स्टूडेंट्स, आपको ये कलर तब याद रहेंगे जब आप ये एक दो बार ये वीडियो फिर से देखेंगे, तो आपको कलर जो है आराम से याद रह जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था चाइना रोज इंडिकेटर, जो चाइना रोज है इसको एज एन इंडिकेटर कैसे यूज करते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, हमने बात करी नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में, जिसमें मैंने आपको लिटमस के बारे में पढ़ाया, टर्मरिक के बारे में पढ़ाया, और चाइना रोज के बारे में पढ़ा लिया। तो अब हम बात करेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर की, ठीक है ना। वो क्या होता है सिंथेटिक इंडिकेटर, जो कि मैन मेड होता है, जो कि हम खुद बनाते हैं, लेबोरेटरीज में बनाते हैं, फैक्ट्रीज में बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बोला था फिनोप्थलिन, ठीक है। अब जो फिनोप्थलिन है, आपको बस ये इसमें याद रखना है, व्हेन सॉल्यूशन इज बेसिक इट गिव्स अ पिंक कलर। जब सॉल्यूशन जो होता है फिनोप्थलिन में, जब ये क्या होता है बेसिक होता है, तब इसमें पिंक कलर आ जाता है, ठीक है ना। जब सॉल्यूशन जो है बेसिक होता है तो ये पिंक कलर का हो जाता है, ठीक है ना। और जब सॉल्यूशन एसिडिक होता है इट रिमेन्स कलरलेस, तो इसमें कोई कलर की चेंज आती ही नहीं, इसमें कलर चेंज ही नहीं होता है, ठीक है ना। ये कलरलेस होता है, ये कलरलेस ही रहता है। देखिए मैं आपको बोलूंगी, आपको ये याद रखना है जो सिंथेटिक इंडिकेटर मतलब फिनोप्थलिन जो है, ठीक है ना, फिनोप्थलिन जो है, जब ये पिंक कलर, जब ये सॉल्यूशन जो है, जब ये पिंक कलर होता है तो ये बेसिक होता है, ठीक है ना। और जब इसमें कोई कलर चेंज ही नहीं होता है, ये कलरलेस होता है, तो ये एसिडिक होता है, ठीक है ना। बेसिक जब होगा तो पिंक कलर आ जाएगा, एसिडिक जब होगा कलरलेस होगा, मतलब कोई कलर चेंज ही नहीं होगा, ठीक है ना। ये है सिंथेटिक इंडिकेटर। तो स्टूडेंट्स, अब हमने बात करी इंडिकेटर्स के बारे में, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूट्रलाइजेशन के बारे में बात करें ये, ठीक है ना। इस होल टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से ध्यान में रख के पढ़ेंगे, और मेन बात ये है, आपको जो मैंने ये इंडिकेटर्स में बोला था कौन कौन सा कलर कब चेंज होता है, ये आप नोट डाउन करके रखेंगे, ताकि आपको अच्छे से याद रहे, ठीक है ना। तो आप ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम होगा, आप मुझे टेक्स्ट या कॉल कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।